गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक बढ़िया चटनी बनाना बताऊंगा। वो है आंवले की चटनी। अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, नवंबर का महीना चल रहा है और इस टाइम पे आंवला की आवक है। आंवला की जो आते हैं बहुत ही बढ़िया ताज़ा आते हैं और आसानी से आपको कम रेट में मिल सकते हैं। और इसकी जो चटनी है वो बहुत ही टेस्टी होती है और विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। आपके बालों के लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप लोग ये चटनी आसानी से बना सकते हैं और ये बनाने के बाद में 6-7 दिन तक आप फ्रिज में रख दीजिए, काम आती है। तो शुरू करते हैं अपन। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने 4 आंवला लिए हैं। 4 आंवला के साथ में 4 मिर्ची ली है। मिर्ची मैंने रेड, एक्चुअली ग्रीन चिली है बट ये जस्ट रेड हुई है तो मुझे थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर के लिए मैंने ली। आप ग्रीन चिली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 आंवले के साथ में 4 चिली ली है। बट इसमें ध्यान रखिए कि आप चाहे, आपको तीखा चाहिए तो और बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 3 में भी काम चल जाएगा। मुझे थोड़ा तीखा खाने का मन कर रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 50 से 75 ग्राम के आसपास धनिया लिया है रफली, और कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं 6-7, या ऑप्शनल है ना डाले तो भी, क्योंकि कुछ लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते, वो लोग रहने भी दे सकते हैं। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है जिसके 3-4 पीस कर लिए हैं। ये भी आप जितने चाहें उतने यूज कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही मैंने जीरा लिया है, 1/4 टेबल स्पून से भी कम है ये, और एक एक चूंटी मैंने, एक एक जो है थोड़ी थोड़ी मैंने काली मिर्च और हींग ली है, और ये मैंने नमक लिया है। ये नमक थोड़ा ज़्यादा है, इससे कम डालूंगा मैं अभी आप लोगों के लिए, बस ये रखा है दिखाने के लिए। तो अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जार के अंदर ये पहले सबसे पहले आंवला को थोड़ा काट लेते हैं क्योंकि इसमें गुठलियाँ अपने को निकालनी पड़ेंगी। और तब तक अपन ये इसमें हरा धनिया, ये साबुत डाल सकते हैं, थोड़े डंठल ज़रूर डाल दें, काफ़ी टेस्टी लगता है। ये हींग और ये डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं और लहसुन डाल देते हैं। हरी मिर्ची आप चाहो तो कट कर दो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जार के अंदर तो कट ही जाएंगी। मैंने 2-2 पीस करके इनको डाल दिया है। और ये अदरक जो है, जिंजर जो है, मैंने इसमें डाल दी है। नमक इससे मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नमक आप बाद में डाल सकते हैं, पर यदि खारी होगी तो आपके काम नहीं रहेगी। तो ये अपना सब तैयार है। आंवला को मैं अभी कट करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में इसमें डालेंगे। आंवला को चाहे तो आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके बीज अपने को मैनली निकालने हैं, तो ऐसे करके अपन ये सारे आंवले इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे ये अलग से काट के रखने पहले, क्योंकि इसका बीज अपने को नहीं चाहिए। आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज उसको उसको भी मैं निकाल लूँगा। बीज को निकाल के सब कुछ डालना है। एक मिनट दिखाता हूँ दोस्तों, अपने ये आंवला के बीज हैं, ये निकाल दिए हैं लगभग। और ऐसा इस चटनी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पका हुआ आंवला हो, नॉर्मल आंवला भी आपको जो भी मिल रहा है वो ले लें, बट कोशिश करें कि कोई दाग धब्बा उस पर ना हो। तो अपने तैयार कर लिया है, अब उसके ऊपर बंद करके इसको चला देंगे। आवश्यकता होगी तो इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए, बिना पानी के ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, इससे फिर से ये ग्राइंड हो जाए। तो अपन को पतली बनानी है इसको। मुझे लग रहा है रेड चिली डालने से काफ़ी अच्छा लगेगा इसमें। पहले तो इसके बिना ही चलाएंगे। तो दोस्तों, ये अपनी आंवला की और मिर्ची की, हरी मिर्ची की चटनी बनके तैयार है और आप लोग भी इसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, तीखी बनती है। मैंने लाल मिर्च इसमें डाली, हरी मिर्च की जगह लाल, जो सूखे वाली नहीं है, जो हरी मिर्ची लाल हो जाती है वो डाली, जिससे थोड़ा इसका टेक्सचर भी अच्छा आया है। ये देखिए, बीच बीच में लाल जो मिर्ची है उसके दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।